हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको बीपीएल लिस्ट 2022 के बारे में, तो चलिए चलते हैं हम अपनी वेबसाइट ट्रेंडी रिपोर्टर .in पे। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बीपीएल लिस्ट 2022 को आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से आप बीपीएल लिस्ट 2022 में अपने नाम को देख सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि बीपीएल कार्ड क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बीपीएल लिस्ट 2022। बीपीएल लिस्ट में सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवारों को शामिल करती है, यानी वह परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हों, जिनकी आमदनी बहुत कम हो, उन्हें इस लिस्ट में रखा जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ नागरिकों को देने के लिए केंद्र सरकार SECC 2011 में शामिल बीपीएल परिवारों को इस लिस्ट में शामिल कर रही है। इस लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन जारी करेंगी, जिससे देश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार न्यू बीपीएल लिस्ट 2022 में अपना नाम घर बैठे आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बीपीएल कार्ड क्या है और बीपीएल लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है। जनगणना के अनुसार लोगों की आय व परिवार की स्थिति पर बीपीएल कार्ड की सूची तैयार की जाती है। इस लिस्ट के माध्यम से इसमें आने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी योजना आदि में विशेष लाभ दिया जाता है। 2022 में सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर उनकी बीपीएल की सूची तैयार की जा रही है। बीपीएल कार्ड के माध्यम से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर बिजली जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। न्यू बीपीएल लिस्ट का उद्देश्य क्या है? बीपीएल लिस्ट में उन परिवारों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए पहले लोगों को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है। अब आप घर बैठे SECC 2011 मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। बीपीएल सूची 2022 का लाभ क्या है? इस लिस्ट में शामिल लोग घर बैठे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने नाम को देख पाएंगे। बीपीएल लिस्ट में शामिल परिवारों को सरकार द्वारा लाई योजनाओं में विशेष लाभ दिया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल होने वाले लोगों को सरकार सरकारी कार्यों में विशेष सहायता देगी। इस लिस्ट में शामिल होने वाले परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है और रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है। इस लिस्ट में शामिल होने से इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में विशेष छूट मिलता है। इस सूची में शामिल होने वाले लोगों को सब्सिडी रेट पर राशन मिलता है। इस राशन में गेहूं, चावल, दाल और तेल आदि मिलती है। यदि आप भी न्यू बीपीएल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आगे हम जो आपको बताने वाले हैं उन्हें फॉलो करें। नरेगा योजना की सूची के आधार पर आप अपना नाम देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप मनरेगा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना बीपीएल लिस्ट देख सकते हैं। न्यू बीपीएल लिस्ट 2022 में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको SECC 2011 मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट manrega.web2.nic.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद अब आपको इसका होम पेज दिखाई देगा। अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ग्राम पंचायत को चयन करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, पिता का नाम, कुल सदस्य, वंचित कोड और गिनती के साथ पूरी बीपीएल सूची नीचे दिखाई देगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब आप नीचे दिए गए लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, और यदि आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो SECC 2011 अंतिम सूची के निचले भाग में मौजूद प्रिंट लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ राज्यवार बीपीएल सूची दे रखी है, आप चाहो तो डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि मोबाइल ऐप से बीपीएल सूची लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर विजिट करना होगा। बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट ऐप को टाइप करना है। टाइप करने के बाद इसे क्लिक कर देना है। ऐप लिस्ट आने के बाद आपको इसे इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद यह ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है।
इस ऐप में आपको चेकलिस्ट का एक लिंक दिखाई देगा, आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। अब आपको इसमें अपना राज्य, जिला का नाम आदि भरकर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में BPL धारकों की सूची आ जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कि BPL कार्ड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। BPL कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, आधार कार्ड या राशन कार्ड का होना ज़रूरी है, नागरिकता प्रमाण पत्र और फोटो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। BPL कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, इसकी क्या पात्रता है? BPL कार्ड वह व्यक्ति बना सकता है जिसकी सालाना आय 20,000 या उससे कम हो, 52 में 17 अंक। इस लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार लोगों को कुछ अंकों के द्वारा मापित करती है। जिन परिवारों को 52 अंकों में 17 या उससे कम अंक होते हैं उन्हें BPL लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये था BPL लिस्ट 2022 के बारे में कुछ जानकारी। यदि आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करें और इस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ें। इसके अलावा और भी कई योजनाएं दी गई है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।